तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। तो भक्त जनों, आज हम आपको बता रहे हैं एकादशी के व्रत की विधि, पूजा तथा दान आदि के बारे में। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए, श्री मद्द भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है, जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से वृत्त होकर स्व में स्थित हो सके और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं, इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन न करें। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है जो इस प्रकार है, अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। पहला है निर्जल व्रत, दूसरा उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्धादि पेय पदार्थ का ग्रहण करना, चौथा है नक्त व्रत, दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, और पांचवा है एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती है, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। संसार के सभी धर्मों में व्रतों को विशिष्ट महत्व दिया गया है, जबकि हिंदू धर्म का तो मूलाधार ही है। विभिन्न व्रत और उन व्रतों के साथ की जाने वाली पूजाएं, हमारे सभी त्योहारों के साथ तो व्रत और विशिष्ट पूजाएं अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। ग्रहों की शांति के लिए वार विशेष को भी व्रत किए जाते हैं। इसी प्रकार सोमवार और त्रयोदशी को शिवजी के निमित्त तथा शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी रखा जाता है। इन सभी व्रतों का अपना अपना धार्मिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक महत्व है, और इनमें से जिस व्रत को जो भी व्यक्ति अपने विशिष्ट प्रयोजन से करता है, श्री हरि कृपा से उसका मनोरथ पूर्ण भी होता है। परंतु जहाँ तक एकादशियों के किए जाने वाले व्रत का प्रश्न है, इसका तो इस संसार में जवाब ही नहीं है। संसार में अनेक नदियाँ, सरोवर व अन्य जलाशय हैं, और सभी में स्नान करने से मिलती है तन मन को शुद्धि, ताजगी तथा पवित्रता। परंतु भागीरथी गंगा जी में स्नान जहाँ ये सभी लौकिक उपलब्धियाँ देता है, वहीं गंगा जल का रासायनिक प्रभाव अनेक रोगों का शमन करके अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। इसके साथ ही एक धार्मिक व्यक्ति को अतिरिक्त आध्यात्मिक बल, आत्मिक शांति और जीवन में अब तक किए गए पापों के क्षय हो जाने की भावना भी देता है। पतित पावनी गंगा जी में स्नान, इस प्रकार की भावनाओं तथा गंगा जल के रासायनिक गुणों ने ही पुण्य सलीला गंगा जी को दिया है स्वर्ग से उतरी हुई जग तारिणी देवी का स्वरूप। नदियों में जो विशेष स्थान और महत्व गंगा जी को प्राप्त है, व्रतों में ठीक वही स्थिति एकादशी व्रतों की है। सभी व्रत किसी देवता विशेष की विशिष्ट कृपाएं प्राप्त करने और किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति का माध्यम है, तो एकादशी का व्रत है भगवान विष्णु को विशिष्ट कृपाएं। इस लोक में धन धान्य, पुत्र पोत्रादि, मान सम्मान और अंत में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और शीघ्र फलदायी माध्यम एकादशी का व्रत जगत संचालक भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस व्रत में विष्णु भगवान का पूजन होता है और द्वादशी को उनके निमित्त सीधे के रूप में दान दिया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अपनी भारिया महालक्ष्मी सहित परम प्रसन्न तो रहते ही हैं, परंतु सहज ही उसे मान लेते हैं अपने सबसे प्रिय संतानों में से एक, जिस पर जगत नियंता भगवान और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी दुष्प्राय नहीं रह जाता। सभी देवी देवताओं और ग्रह नक्षत्रों के स्वामी है भगवान विष्णु।
अतः आपकी पूजा आराधना और एकादशी का व्रत करने वालों पर सभी देवी देवता कृपालु बने रहते हैं और वो व्यक्ति इस जीवन में सभी उपलब्धियों और सुखों को भोगता अंत में अक्षय काल तक करता है विष्णु लोक में वास। शास्त्रों का कथन है कि एकादशी का पूर्ण व्रत तो दशमी की शाम से द्वादशी की सुबह तक निर्जल और निरार रहने पर होता है। दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार साफ कर ले, जिससे कोई अन्न कण दांतों में फंसा न रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम और पूजा आराधना के पश्चात विशेष रूप से करें भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना। पूरा दिन भगवान की पूजा कथा भगवत के श्रवण भजन आदि में बिताएं और एकादशी की पूरी रात्रि जागरण करें। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही व्रतधारक को व्रत खोलना चाहिए। शास्त्रों का कथन है कि दशमी की शाम से ही द्वादशी के मध्यान्ह तक निरार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को निरार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और जागरण नहीं करते उनको मात्र एक चौथाई फल की प्राप्ति होती है। और इस बारे में अधिक जानकारी आगे प्रत्येक एकादशी की महात्म्य कथा के साथ दी जाएगी।